नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे ब्रह्मोस डील के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है कि ब्रह्मोस डील की खरीदारी फिलीपींस देश कर रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, परचेज ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इज ओनली द बिगनिंग ऑफ अ पार्टनरशिप। तो ये कहा है फिलीपींस के फॉरेन मिनिस्टर ने। आप समझ सकते हैं कि मतलब ये सिर्फ शुरुआत है। ब्रह्मोस के बाद तो और भी ज़्यादा इंडिया से हथियार खरीदेगा हमारा फिलीपींस। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि फिलीपींस की जो सिक्योरिटी पैक्ट है वो यूएस के साथ भी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ी डील होगी इंडिया की फिलीपींस के साथ, जबकि फिलीपींस के सपोर्ट में यूएसए भी है। यूएसए ने जहाँ तक ये भी कहा है कि अगर फिलीपींस पे कोई अटैक करता है तो वो अटैक यूएसए पे माना जाएगा। हालांकि आप सभी को पता है कि फिलीपींस की लड़ाई किसके साथ है, चाइना के साथ। जहां तक है तो चाइना अगर अटैक कर देता है फिलीपींस के ऊपर तो उसके अटैक को माना जाएगा यूएसए के ऊपर भी अटैक, और यूएसए उसमें फिर बीच में आएगा, ये बात निश्चित है। लेकिन फिर भी फिलीपींस इंडिया से हमारा ब्रह्मोस खरीद रहा है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि हमारे जो वेपन्स हैं वो कितने क्वालिटी के हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये जो डील हुई है ब्रह्मोस की, उसमें जो 51% है वो जो पैसा मिलेगा वो इंडिया को मिलेगा, और 49% पैसा है वो मिलेगा रशिया को, क्योंकि ब्रह्मोस जो बनाई गई थी वो रशिया के सपोर्ट से बनाई गई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिलीपींस अल्टीमेटली इंडिया प्लस रशियन मेड वेपन खरीद रहा है, इवन इफ कि उनके पास यूएसए का भी सपोर्ट है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का पूरा कह सकते हैं कि हमारा इकोसिस्टम डेवलप हमने किया है कि हमसे लोग वेपन खरीद रहे हैं, इवन इफ वो रशिया से बने हों, और रशिया की फाइट अगर यूएसए से भी है तो वो यूएसए की भी बात नहीं सुन रहा है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमने ये बहुत बड़ी जीत हासिल की है हमारे इंडियन मेड, इंडियन रशियन मेड वेपन की। आप ज़्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि जबकि फिलीपींस के पास यूएसए जैसे एक जाइंटिक मतलब बहुत ही कह सकते हैं बाहुबली टाइप की कंट्री का सपोर्ट है, जब तक कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर फिलीपींस पे अटैक होता है तो वो अमेरिका पे अटैक माना जाएगा, फिर भी रशिया और इंडियन मेड वेपन ब्रह्मोस को जो हमारा कह सकते हैं फिलीपींस क्यों खरीद रहा है, ये आप सभी को आप जरूर सोच रहे होंगे। लेकिन इसका मेन कारण यही है कि जैसा कि आपने देखा होगा, अमेरिका अफगानिस्तान से किस तरह से भागा। अमेरिका आप हर जगह से देख सकते हैं, अभी जो यूक्रेन में स्थिति है वहाँ पर ना तो कोई मतलब बहुत बड़ा चेंज वो लेके आया है, ना ही उसने नेटो की पावर को यूज़ किया है, ना ही कुछ किया है। तो आप समझ सकते हैं यूएसए किस तरह से भाग जाता है इस तरह की सिचुएशन आने पर। इवन इफ आपको पता होना चाहिए यूएसए ने जो कह सकते हैं कि कत्लो गारत है वो अगर करी है तो फिलीपींस के अंदर भी करी है, वियतनाम में भी करी है, इन आसपास की कंट्रियों में काफ़ी बार अटैक भी किया है। आप ये भी सोच लीजिए जो लाओस कंट्री है उस पर भी अटैक किया है। तो अमेरिका का साथ जो है वो किसी को ज़्यादा समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका का इंटरेस्ट, जो कि इनके एक बहुत बड़े नेता हैं उन्होंने कहा था, और जिनका नाम है हेनरी किसिंजर, उन्होंने ये साफ साफ कहा था अमेरिका हैज़ नो परमानेंट एनिमी, नो फ्रेंड्स, नो एनिमी, ओनली इंटरेस्ट। तो वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट में काम करते हैं, वो किसी से दुश्मनी या दोस्ती रख के नहीं चलते। ये अमेरिका की हमेशा से नीति रही है, वो इसको फॉलो करते हैं हमेशा। और अब जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कैटो इंस्टीट्यूट है एक इनकी, जो अमेरिका का थिंक टैंक है, उसने साफ साफ लिखा है, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट जनरेट हुई है कि लाइक द फिलीपींस अमेरिकास प्रीपेचुअल यूजलेस अलाय, मतलब लगातार एक यूजलेस अलाय है। वो खुद ही कह रहे हैं अमेरिका के लोग, मतलब अमेरिका का जो थिंक टैंक है उनकी तरफ से जब इस तरह की बातें आने लगती हैं तो आप समझ सकते हैं कि फिलीपींस भी समझदार है, वो समझ गया कि
जब वहाँ का थिंक टैंक धीरे धीरे ये कहना शुरू कर रहा है कि फिलीपींस का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि फिलीपींस एक्चुअल में कुछ क्या दे सकता है अमेरिका को? वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है और उस लोकेशन का अगर कोई यूज़ नहीं है अमेरिका की नज़रों में, तो अमेरिका उस एलाय को छोड़ देता है। मतलब उसका कोई, जैसे कि एक्चुअल में अमेरिका का क्या रोल रहता है एलाय के मामले में? एलाय का मामले में ये रोल रहता है, वो उसको फाइनेंशियली हेल्प करता है, क्योंकि आपको सभी को पता होगा कि अमेरिका के पास वर्ल्ड की जाइंट कंपनीज हैं। अमेरिका के पास एप्पल है, अमेरिका के पास गूगल है, अमेरिका के पास मतलब क्या से क्या नहीं है, आप ये देख सकते हैं। फेसबुक है, गूगल है, मतलब सभी बड़ी कंपनीज हैं। तो जितना पैसा वो कमाता है वो उसको यूज़ करता है उन देशों पे प्रभाव लाने के लिए जिसका वो यूज़ कर सकता है। जैसे कि पहले उसने पाकिस्तान को भी काफ़ी यूज़ किया, अभी उसका यूज़ नहीं रहा तो उसको छोड़ दिया। और जैसे ही अभी इंडिया को भी, हम देखिए इंडिया, हम लोग बहुत समझदार हैं, हम किस तरह से अमेरिका का यूज़ करेंगे ये आप देखेंगे और देख रहे हैं आप। जैसे कि हमने उनकी सारी कंपनीज को यहाँ पर लाकर इंडियन इंडस्ट्री को और मजबूत किया है, हमारी आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है आज इसी वजह से कि हमने अमेरिका की आईटी इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर पहले लेके आए। हमने उनके IBM इन्फो IBM को लेके आए, हम उनकी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जितनी भी बड़ी फेसबुक कंपनीज आप देखेंगे इंडिया के बैंगलोर और हैदराबाद सिटी में आपको मिलेंगी। लेकिन आज इंडिया के पास जो है, देख सकते हैं आप, TCS, इंफोसिस, विप्रो, इस तरह की बड़ी जायंटिक कंपनीज हम खुद एस्टेब्लिश कर लिए हैं अब आईटी की इंडस्ट्री में। और साथ ही साथ अब हमें और भी ज्यादा कुछ चाहिए था, तो हमने फिर उनकी मोटर्स कंपनीज को भी लेके आए। जैसे कि आपने हीरो होंडा, पहले ये दोनों नाम एक साथ चलते थे, हमने क्या किया, हमने पहले उनसे सीखा, उसके बाद हमने खुद, देखिए ये तो नहीं है ना कि हम उनके हमेशा कदमों पे चलेंगे। पहले हीरो होंडा चल रहा था, लेकिन हमने कहा कि अब हम सेल्फ कंपनीज भी बनाएंगे, तो अब आपको हीरो कंपनी अलग दिखेगी, होंडा कंपनी अलग दिखेगी। तो इस तरह से ही हमने काफ़ी कंपनीज के साथ कह सकते हैं कि जॉइंट वेंचर की है। जैसे कि मतलब अमेरिका ही नहीं, हमें भी अपने इंटरेस्ट में काम करना है, जो कि अमेरिका का इंटरेस्ट लोग बोलते हैं, लेकिन हम किसी को धोखा नहीं देते। सबसे पहली बात तो ये है, इंडियंस आर ऑलवेज मतलब हेल्पिंग। जैसा कि आप देख रहे होंगे रशिया को हम कितना हेल्प कर रहे हैं, रशियन ऑयल्स को परचेज करके। रशियन ऑयल अब इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट हो गया, मतलब इंडिया के अंदर जो सेकेंड लार्जेस्ट बाइंग कर रहे हैं हम रशिया से कर रहे हैं, यानी कि उसकी अल्टीमेटली हेल्प ही कर रहे हैं। जब पूरी कंट्री जो अमेरिका ने एक्चुअल में कहा कि अब उस पर सैंक्शन लगा दो, उससे कुछ नहीं खरीदो, लेकिन इंडिया हमेशा हेल्प कर रहा है रशिया की, क्योंकि रशिया ने हमेशा इंडिया की हेल्प करी है। तो इसी तरह से हम लोग कभी किसी का कह सकते हैं कि धोखे नहीं देते, जैसे कि अमेरिका अभी दे रहा है और आप देख रहे होंगे साफ तौर से। लेकिन हाँ, आपने देखा होगा मारुति सुजुकी, पहले मारुति जो है इंडियन कंपनी है, सुजुकी जो है एक फॉरेन कंपनी, कंट्री की कंपनी है। तो इस तरह से हम सबके साथ वेंचर करते हैं, खुद सीखते हैं और फिर खुद अपना डेवलप करते हैं। जैसा कि आपने वर्लपूल कंपनी देखी होगी, उसके फ्रिजेस वगैरह ये सारी चीज़ें आती थी, वर्लपूल की वॉशिंग मशीन आती है। लेकिन आज हम इंडिया के अंदर गोदरेज कंपनी जो आप देखेंगे, वो एक कह सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर में टॉप में। तो इस तरह से हम डेवलप करते हैं, दूसरों से सीख के भी और खुद से भी हम डेवलप करते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरह से ही चीज़ें डेवलप होती हैं। और आपने अगर देखा हो फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट किसने बनाई, जो दो एम्प्लॉय थे अमेजन के, उनके दो एम्प्लॉय ने मिलकर बनाई फ्लिपकार्ट। तो यानी कि हम साफ साफ समझ सकते हैं कि हम किस तरह से अमेरिका का यूज़ करते हैं, और फिर हम देखिए उसका भी भला ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसका भला नहीं कर रहा है। उसकी उनकी कंपनीज में हम अपने एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि हमारे एम्प्लॉय, ये बात मानना पड़ेगा, इंडियंस आर रियली वेरी इंटेलिजेंट और बहुत ही मेहनत से काम करते हैं। किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी कंपनी के लिए अगर उनको काम दे दिया जाएगा, मेहनत से करते हैं, सीखते हैं, खुद का भी बनाते हैं, उनको भी सफल करते हैं। तो इसी तरह से विश्व आज इंडिया को मान रहा है विश्व शक्ति, और विश्व शक्ति बनने में हमें बस अब कुछ ही समय का वक्त रह गया है। ऑलरेडी हम ऑलरेडी विश्व शक्ति की तरफ ही अग्रसर हो रहे हैं, पूरी वर्ल्ड इंडिया को ही देख रहा है, क्योंकि इंडिया का किसी से ऐसा जबरदस्ती की लड़ाई नहीं है, जैसे कि अमेरिका या तो किसी भी लड़ाई में कूद जाता है या किसी के साथ भी अटैक कर देता है, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करते। हमारा अगर कोई हम पे अटैक करता है तब हम उस पे अटैक करते हैं, ये हमारी नीति रही है और इसी को हम फॉलो कर रहे हैं। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि हमारा देश और आगे जाएगा, और आज फिलीपींस मांग रहा है हमसे हथियार, हमसे अब मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही जल्द पूरा वर्ल्ड को हम हर चीज़ सप्लाई करेंगे,
वेपन तो ठीक ही है, और बाकी चीजें जो कंस्ट्रक्टिव चीजें हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर, आईटी इंडस्ट्री, ऑलरेडी हम ऑलमोस्ट 60% जो बोलते हैं आईटी का एक्सपोर्ट इंडिया से होता है पूरे वर्ल्ड का, वो और ज्यादा बढ़ेगा, और साथ ही साथ हम लोगों का भला करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।